क्वेश्चन नंबर टू, ए बार फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर. एज वी कैन सी हियर, दिस इज एन इरेगुलर फिगर. इट कंसिस्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल. इफ आई ड्रॉ अ डॉटेड लाइन हियर, इट बिकम वन रेक्टेंगल. एंड द सेम आई कैन मेक वन रेक्टेंगल हियर बाय ड्रॉइंग वन लाइन. सो बेसिकली आई हैव थ्री रेक्टेंगल. वन इज दिस फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकेंड रेक्टेंगल एंड थर्ड रेक्टेंगल. सो आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ऑल दीज थ्री रेक्टेंगल्स. सो फर्स्ट एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल. एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ इज द लॉन्गेस्ट साइड. इफ आई सी द फर्स्ट रेक्टेंगल, दिस बिग लाइन इज द लेंथ. सो 10 इज द लेंथ एंड 2 इज द ब्रेथ. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल बी 20 सेंटीमीटर. नाउ फर्स्ट आई विल टेक दिस थर्ड रेक्टेंगल. एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, अगेन इट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. हियर द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, इट इज सेम 20 सेंटीमीटर. नाउ दिस थर्ड रेक्टेंगल इज सेकेंड रेक्टेंगल इज लेफ्ट. दिस सेकेंड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, अगेन द फॉर्मूला इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. सो दिस इज द रेक्टेंगल. बट वी डोंट नो द एक्चुअल लेंथ फ्रॉम दिस टू दिस. हियर इट इज गिवन 9 सेंटीमीटर, बट इट इज फ्रॉम हेयर टू हेयर. बट वी नीड ओनली दिस पार्ट. सो वट वी हैव टू डू, एज हेयर इट इज 2 सेंटीमीटर. सो इन अ रेक्टेंगल एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो इफ दिस इज 2, सो दिस विल ऑल्सो बी 2. एंड इफ दिस इज 2, इट विल ऑल्सो बी 2. एंड एज वी नीड दिस पार्ट ओनली, सो वट वी कैन डू, 9 माइनस 2 माइनस 2, वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस लेंथ एंड दिस लेंथ. सो 9 माइनस 2 इज 7 एंड 7 माइनस 2 इज 5. सो द लेंथ फ्रॉम हेयर टू हेयर इज 5 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड वट इज द ब्रेथ. हाउ मच इज द ब्रेथ वी हैव टू फाइंड. हेयर इट इज गिवन दिस फुल इज 10 एंड अप टू हेयर इज 8. And we need only this part. So 10 minus 8, it will be 2 centimeter. So now we know the length and breadth. So we can multiply here, 5 multiply by 2. It will be 10 centimeter. Now to find out the area of this complete figure, what we have to do? Area of first rectangle plus third rectangle plus second rectangle. So 20 plus 20 plus 10, it will be 50 centimeter square. Here also we have to put square because we are finding area. So the unit is centimeter square.